हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिख रखा है बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर टाइलून प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सिंपली देख रहे हैं कि पहले क्या ले रहा है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करा रहा है, मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम के साथ, और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में करा रहा है, जिससे क्या मिल रहा है, हमें टाइलून प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं कि आइए पहले ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है वह ए होता है। बेंजीन पर हमने सीएल लगा दिया, वह किसका सूत्र हो गया, क्लोरोबेंजीन का। ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर है, एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड। तो ए हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब देखिए ए हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, अब प्लस इसमें बोला है मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम के साथ। तो पहले हम सोडियम लेते हैं, तो ए हो जाएगा एन ए, फिर ए हो गया एन ए यानी सोडियम। अब इसके साथ फिर बोला है मेथिल क्लोराइड, यानी हम मेथिल क्लोराइड पहले लिखते हैं, और इसको अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए हम पहले बाद में लिखेंगे मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह CH3Cl होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम Cl को लिख देंगे सूत्र की आसानी के लिए, फिर उसके बाद CH3। ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड, यहाँ पे इसको लिख देंगे मेथिल क्लोराइड। ये आपका मेथिल क्लोराइड हो गया। अब इसकी जो उपस्थिति है वह ईथर है। अब देखिए इसका रिएक्शन करा देंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, टाइलून। टाइलून का जो सूत्र होता है वह बेंजीन पे CH3 होता है। तो देखिए यहाँ से हमें प्राप्त होगा बेंजीन यानी टाइलून प्राप्त होगा। तो ये टाइलून का जो है क्या है, स्ट्रक्चर है, ये हो गया। अब एक छोड़ एक पे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, और इस पे स्टूडेंट अगर CH3 लगा दे रहे हैं तो ये टाइलून हो गया। ये आपका हो गया टाइलून। तो ये आपका क्या हो गया, टाइलून। अब देखिए स्टूडेंट ये तो टाइलून हो गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। अब देखिए अगर इसको हम यहाँ से अंडरलाइन करें, तब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बेंजीन पे क्या निकल गया, CH3, यानी इस बेंजीन पे CH3 निकल गया। अब बचा हमारा क्या, बचा N और दो ठो Cl। तो यहाँ पे देखिए हमारा बचा NaCl। अब देखिए यहाँ पे Cl दो ठो है, Cl दो ठो, तो यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा। तो हम इस सोडियम को भी क्या करेंगे, 2। तो यहाँ पे 2N हो गया, और ये Cl भी कितना है, दो ठो, तो यहाँ से हो गया आपका 2NaCl। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो आप सिंपली समझ सकते हैं स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ पे कैसे मेंटेन किया है, तो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पे CH3। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, दो ठो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन करने के लिए यहाँ पर भी हमको दो करना पड़ेगा, तो 2NaCl, यानी दो ठो यहाँ पे सोडियम है और दो ठो क्लोरीन है। तो ये आपका हो गया बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया।